हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 में हिंदी पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बिल्ले की पूंछ। यह एक कहानी है, यह पाठ संकलित है। तो आइए हम इस पाठ के बारे में जानते हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि बरगद के एक पुराने पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी। दिन में चिड़िया अपने बच्चों को एक बूढ़ी कबूतरी दादी को सौंप कर चारा चुनने में चली जाती थी। एक दिन एक बिल्ले एक पूंछ जले हुए म्याऊ बिल्ले की नज़र चिड़ियों के बच्चों पर पड़ी। कबूतरी दादी उस बिल्ले को देख लेती है और बच्चों को होशियार कर रहने के लिए कहती है। एक दिन मौका देख कर बिल्ला उनमें से गौरैया के एक बच्चे को दबोच लेता है। यह देखकर सभी नन्ही चिड़िया बिल्ले पर झपट पड़ती हैं और उसे घायल कर देती हैं। विवश होकर बिल्ले को गौरैया का बच्चा छोड़ना पड़ता है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। एक पुराने बरगद के पेड़ पर ढेर सारी चिड़िया ने बसेरा ले रखा था। उनमें आपस में बड़ा मेल था। वे सब सवेरा होते ही भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती और शाम होने पर लौटती। अपने बच्चों को वो उसी पेड़ पर रहने वाली एक कबूतरी दादी के भरोसे छोड़ जाती थी। चिड़ियों के बच्चे अपनी कबूतरी दादी से बहुत हिले हुए थे, यानी आपस में मिलकर रहते थे। वे उसे गुट्टरगू दादी कहते थे। गुट्टरगू दादी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती। बच्चे खुशी के मारे अपनी नन्ही नन्ही चोंच खोलकर ची 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 किया करते। एक दिन दादी कबूतरी कहानी सुना रही थी, तब म्याऊ बिल्ला उधर से गुजरा। कहानी सुनने के लालच में इतने सारे ची ची भतीजों को देखकर वह लार टपकाते हुए पेड़ के नीचे रुक गया। वह कल शाम ही शहर से लौटा था। म्याऊ बिल्ला बड़ी चटोर तबीयत का था, यानी बहुत चटोरा था। हर वक्त दूसरे की दूध मलाई पर उसकी नजर रहती थी। ऐसे ही एक दिन वह किसी की रसोई में दूध में मुंह डालते हुए पकड़ा गया। घर की मालकिन ने उसे चूल्हे की जलती लकड़ी खींचकर उसे मारी थी। म्याऊ बिल्ला ने काफ़ी फुर्ती बरती थी, लेकिन हटते हटते भी जलती हुई लकड़ी उसकी पूंछ पर आ गई थी। बेचारे म्याऊ की पूंछ पूरी तरह जल गई। वह सिकुड़ कर थोड़ी छोटी भी हो गई। शहर में जो भी उसे देखता उसकी जली हुई पूंछ को देखकर हंसने लगता। घबरा कर म्याऊ बिल्ला अपनी बची हुई दुम दबा कर शहर से भाग गया। जिस समय म्याऊ बिल्ला चोरी से दूध पी रहा था, उसी समय रामू कौवा उस घर की मुंडेर पर यानी ऊपर बैठा हुआ था। उसने म्याऊ बिल्ले को दूध की चोरी ना करने के लिए कहा भी था, मगर म्याऊ बिल्ला ने उसकी सलाह अनसुनी कर दी। रामू कौवे ने जब उसकी फजीहत देखी, यानी जब उसको मारते हुए और मालकिन के जलाते हुए देखी, तो उस पर उससे तरस भी आया। मगर उसने सोचा, ठीक है, चोरी की सजा मिलनी ही चाहिए। उस दिन जब वह शहर से लौटा तो म्याऊ बिल्ले की चोरी वाली बात उसने सभी चिड़ियों को या फिर जानवरों को बता दी। म्याऊ बिल्ले को कौवे की बातों की जानकारी नहीं थी। शहर से लौटकर जब वह अपनी बहादुरी की झूठी सेखी बघारने लगा, यानी अपनी तारीफ करने लगा, तो सभी हंसने लगे। मगर म्याऊ बिल्ला तो हद दर्जे की बेशर्म था। मतलब उसने हद कर दी थी बेशर्मी की। वह हमेशा की तरह चीना ताने घूमता था। चिड़ियों के बच्चों को दादी गुट्टरगू ने म्याऊ बिल्ले की चोरी की कहानी सुना दी थी। बच्चे उसे पहचान
पहचानते भी थे, इसलिए जब उन्होंने म्याऊ बिल्ले को देखा तो वो सब मिलकर गाना गाने। बिल्ले अंकल शहर गए, शहर में पूछ गवा गए आए, अंकल खाते घास पात, दूध खाती दूध भात। वहाँ पर वो सारे चिड़िया बिल्ले को देखकर गाना गाने लगते हैं। म्याऊ बिल्ले ने गुर्रा कर कहा, भतीजो यह नया फैशन है, सैलून में जाकर पूछ की बालों की कटिंग करवा आया हूँ। अब पूछ इतनी हल्की हो गई है कि तुम्हें क्या बताऊँ। बुलबुल छेड़ते हुए बोली, अंकल जी इसे कस कर पकड़ कर रहना, कहीं आंधी में यह उड़ ना जाए। गुट्टरपुर दादी बोली, अरे बिल्ले कभी तो सच बोला कर, चोरी करना और झूठ बोलना दोनों ही बुरी बातें हैं। म्याऊ बिल्ला बोला, लो दादी तुम भी खूब हो, किसने चोरी की और किसने झूठ कहा, तुम क्या किसी और के बारे में कह रही हो दादी। नन्हे बच्चे ताली बजा कर गाने लगे, बिल्ले अंकल शहर गए, वहाँ चुराई दूध मलाई, पकड़े गए जब धोखे में तब कुछ कटिंग कराई। ये सभी बच्चे यह गाना बिल्ले को देखकर गाने लगते हैं। गुस्से में म्याऊ बिल्ले की मूंछ फड़कने लगी, यानी उसकी मूंछ ऊपर नीचे होने लगी। बोला, दादी गुट्टरपुर अभी तो जा रहा हूँ, मगर याद रखना इन शैतान भतीजों से एक बार जरूर निपटूंगा। यह कहकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। म्याऊ बिल्ले को भागते हुए देखकर सारे बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। नन्हा मिट्टू बोला, दादी म्याऊ अंकल भाग गए। दादी गुट्टरपुर बोली, हाँ मगर तुम लोग अभी छोटे हो, अपने से बड़ों को चुभाना नहीं चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे यह सीखना है कि हमें बड़ों को चुभाना नहीं चाहिए और हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।